इससे पहले जरा हम कुछ और तस्वीरें बिग वॉल पर दिखाते हैं, इससे पहले कुछ और जानकारी देते हैं अपने बिग वॉल पर, फिर अपने पैनलिस्ट के पास और गेस्ट के पास चलते हैं। और सवाल यह है कि आज क्या इन लोगों के पास एक रत्ती भी अधिकार बचता है सरकारों से सवाल पूछने का? क्या इन लोगों के पास एक रत्ती भी अधिकार बचता है अथॉरिटीज से ये पूछने का कि उनको ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा, बेड क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, कोरोना से पहले सालाना 1,30,00,000 सैलानी हिमाचल में आते थे। 2020 में पिछले साल जब कोरोना आया महज 32,00,000 सैलानी हिमाचल पहुंचे, लेकिन 2021 जनवरी से 31 मई तक 13,00,000 सैलानी पहुंचे और 13 से 27 जून 2021 में ही कुल्लू मनाली में करीब करीब 2,50,000 गाड़ियां दूसरे राज्यों से आई। 13 से 27 जून दो हफ्ते में 2,50,000 गाड़ियां। जो हिमाचल के डीजीपी हैं वो कह रहे हैं कि रोज 18,500 गाड़ियों का एवरेज है वहां पर। हिमाचल में सिर्फ एक महीने में 6 से 7,00,000 सैलानी पहुंचे हैं वहां पर, सिर्फ एक महीने में। जैसा कि लोग इंतजार कर रहे थे कि हल्का सा कोरोना डाउन हो और वो वहां पर पहुंचे और सारी जिम्मेदारियां भूल जाएं। सिर्फ शिमला में वीकेंड में 10,000 गाड़ियां दूसरे राज्यों से आई हैं, सिर्फ शिमला में दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियां। अब सवाल है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर क्या लोग सब कुछ भूल चुके हैं? सीधे शिमला चलते हैं, शिमला से हमारे साथ मोहित मल्होत्रा हैं। मोहित, शिमला में भी भीड़ लगी हुई है, शिमला में भी लोग अपनी जिम्मेदारियां किस कदर भूले हुए हैं हम सब देख पा रहे हैं। जल्दी से एक बार नजारा दिखा दीजिए, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। देखिए, शिमला में अभी वीकेंड की शुरुआत हुई है तो अभी सुबह का वक्त है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो चंडीगढ़ से, दिल्ली से, हरियाणा से आते हैं, एक रात रुकते हैं और अगले दिन चले जाते हैं। और आज थोड़ी धूप भी यहाँ पर है, इस वजह से, गर्मी की वजह से। अभी ये रिज मैदान है, यहाँ पर आप देखिए आपको भीड़ दिखाई नहीं दे रही है और कुछ यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, इसी वजह से यहाँ पर लोग आपको मास्क लगाए दिखेंगे। लेकिन शाम होते होते मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। लगातार चंडीगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू होंगे और वीकेंड यहाँ पर ऐसा नहीं, बिल्कुल है, वो तस्वीरें तो हम सब ने देखी, लेकिन बहुत अच्छी तस्वीर आ रही है मोहित, इस वक्त दिख रहा है सामने कि लोग कम है। उम्मीद है कि लोग समझे अपनी जिम्मेदारियों को और अथॉरिटीज ने हिमाचल में जिस तरह से अब लोगों को ये कहना शुरू किया है कि कम आइए, मास्क लगाइए, हो सकता है उसका भी असर हो। जल्दी से नैनीताल का भी रुख कर लेते हैं, नैनीताल में भी यही दिख रहा है विपिन? बिल्कुल गौरव, मैं इस वक्त नैनीताल के रास्ते में हूँ, लगभग 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे हूँ। लेकिन रास्ते में मुझे जो नज़ारा दिख रहा है वो देखकर मैं हैरान हूँ कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, जो ये बता रहा है कि दिल्ली से, हरियाणा से, एनसीआर से लोग सैटरडे संडे को ध्यान में रखते हुए फ्राइडे की सुबह, फ्राइडे देर रात और सैटरडे की अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं नैनीताल मसूरी में छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें हैरान इसलिए करती है क्योंकि अभी पूरे देश ने इसकी विभीषिका को झेला है। कैसे लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, कंसंट्रेटर के लिए, एक एक चीज बिल्कुल सही बात है। नैनीताल की वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को, जैसे आप नैनीताल पहुंचते हैं और रास्ते का जो आप हाल बता रहे विपिन, ये बहुत चिंताजनक है। जल्दी से डल झील की भी तस्वीरें देखते हैं। इरफान, डल झील में आजकल क्या नजारा दिखता है? देखिए गौरव, अब तो पर्यटक आना शुरू हुए हैं। मेरे पीछे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं शिकारा से टूरिस्ट बाहर आ रहे हैं, कुछ लोग अंदर जा रहे हैं हाउस बोट्स में। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। हमने कुछ लोगों से बात की, मास्क क्यों नहीं पहना, तो जिस तरह आप कह रहे थे अभी कि किसी का खो गया है, किसी का जेब में है, तो दलीलें हैं, लेकिन दलीलों से बात नहीं चलेगी। और हालांकि यहाँ पर भीड़ अभी नहीं है, सुबह का वक्त है, लेकिन अगर बाकी हिल रिजॉर्ट की बात करें, गुलमर्ग, पहलगाम, जो लोग भी हैं वो भी कोई मास्क लगाए नहीं दिख रहे, जो लोग भी हैं वहां पे लोकलिस्ट हैं या शायद ये जो शिकारा चालक हैं, जो भी हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह शिकारा चालक है या टूरिस्ट जो है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मुश्किल से आपको मास्क लगाते हुए दिखेगा। तो देखिए, बहुत 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 ज्यादा ये चिंताजनक तस्वीरें हैं जो हम देख पा रहे हैं। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।